और उन्हें घर से बाहर महज 100 मीटर की दूरी के बाद ही उन्हें रोक लिया गया है। और अखिलेश यादव अपने समर्थकों और नेता बात की जाए, लेकिन अखिलेश यादव इस वक्त अपने समर्थकों के साथ बैठे हैं धरने पर, घर से बाहर इजाजत पुलिस से नहीं दी है, ज्यादा दूर तक जाने की इजाजत पुलिस से नहीं दी है, और ऐसी स्थिति में वो घर के पास इस वक्त बैठे हुए हैं। पर साधे की कोशिश करेंगे, जाहिर तौर पर वहां पर इस वक्त तफरा तफरी और धक्का मुक्की का माहौल बना हुआ है, क्योंकि ये समर्थक अपने नेता को सपोर्ट करने के लिए सुबह से ही वहां पर मौजूद हैं। और देखिए अपने समर्थकों के घेरे के बीच अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। अपील की जा रही है कि धरना प्रदर्शन में उनका साथ दिया जाए। अखिलेश यादव तो बैठ ही गए हैं सड़क पर, और जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनसे भी अखिलेश यादव की यही अपील कि वो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करें। तीन तस्वीरें आपके सामने, कैसे कल देर रात से ही अलग अलग पार्टियों के नेता, तमाम समर्थक, हर कोई लखीमपुर खीरी कूच करना चाहता है। और ये अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीरें जहां पर इस वक्त गहमा गहमी बनी हुई है, पुलिस प्रशासन और पूरा जो अमला है पुलिस दस्ते का वो वहां पर मौजूद है। बसें तैयार की गई हैं ताकि अगर हिरासत की नौबत आए तो इन सभी कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव भी अपनी हिरासत देंगे, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति नियंत्रण में दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए। हालांकि ये भी आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी जाना किसी भी नेता के लिए आसान नहीं होगा, वहां पर पुलिस छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है, जहां पर किसानों के शव के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा, और ऐसे में तमाम नेता हैं वो दरअसल अब लखीमपुर खीरी नहीं पहुंच सकते हैं। कुमार अभिषेक में सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार अपडेट दीजिए। मना कर रहे हैं अभी सरकार। अरे भाई हमारे विषय तो मेरी आवाज़ शायद नहीं पहुंच रही, लेकिन इस बीच तस्वीरें अपने आप में ये बयां कर रही हैं कि कैसे इस वक्त गहमा गहमी बनी हुई है अखिलेश यादव के घर के बाहर। और कल देर रात भी बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा को लखनऊ में उनके निवास पर नज़रबंद कर दिया गया। इसे बेहद निंदनीय और दुखद मायावती ने ट्वीट के जरिए बताया। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर जाकर किसानों की सुध लेना चाहता था, वहां की स्थिति देखना चाहता था, लेकिन ऐसा उन्हें करने से रोका गया। और इसी के मद्देनजर आज अखिलेश यादव को भी बाहर तो निकलने दिया गया, लेकिन लखीमपुर वो नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि पूरी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर तैनात है, मुस्तैद है, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आगे उनका काफिला ना बढ़ सके। यही वजह है कि अखिलेश यादव सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। फ्रेम जा रहा है यार, तो इसी किसी ने खींच लिया यार, खींच रही है तो ये पीछे से कैसे धक्का दिया। हट जाओ हट जाओ।
अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अभिषेक, ये जो पूरा घटनाक्रम है, कल देर रात से अगर हम देखें तो तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बात को सुनिश्चित करना चाहती कि उनका प्रतिनिधित्व किसी ना किसी तरीके से वहां लखीमपुर खीरी में हो, वो किसानों की सुध ले, वहां की स्थिति जाने। लेकिन इन सबके बीच कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, इन सबका धत्ता बना दिया है। अगर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं सुनिश्चित हो पाएगी तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? और ये बात सभी नेता जानते हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल नेहा, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल बन के सामने है, सरकार के सामने भी और विपक्षों के सामने भी, जो इस मुद्दे को लेकर के कल देर शाम से मुखर है। पहले प्रियंका गांधी वाड्रा का लखनऊ भैया पीछे अरे 9:25 वो अपने घर के बाहर से निकलते हैं, लेकिन सामने उनको उनके घर के सामने रोक लिया जाता है। बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश पुलिस की यहाँ पर सिक्योरिटी है, आरएएफ को यहाँ पर बुलाया गया, रैपिड एक्शन फोर्स, तमाम गाड़ियां यहाँ पे लगा दी गई हैं ताकि अगर यहाँ से निकलने की कोशिश होती है तो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया जाएगा। यानी कि किसी भी तरीके से पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है प्रशासन की तरफ से कि विपक्ष के तमाम नेता जो इस मुद्दे को लेकर के मुखर हैं और प्रदर्शन करना चाह रहे हैं उनको उनके स्थानों पर रोक दिया जाए। लेकिन अखिलेश यादव भी वहीं खड़े हुए हैं, इस समय लगातार वो उनकी बातचीत चल रही है, धरने पर वो बैठ के अपने घर के बिल्कुल सामने सड़क पर वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए हैं, मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर स्थितियां खराब होगी तो सिवाय पुलिस को उनको अपनी हिरासत में लेने के कोई और यहां पर चारा नहीं होगा, क्योंकि 3 लेयर की सिक्योरिटी यहां पर यहां बनाई गई है। और ऐसी स्थिति में किसी भी कार्यकर्ता का या किसी भी गाड़ी का यहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन ये सोचता है कि पूरे मुद्दे पर विपक्ष पूरी तरीके से सरकार पर हावी होने की कवायद में है, यही कारण है कि अखिलेश यादव यहां पर धरने पर अपने घर के आगे बैठे हैं। जी देखिए अभिषेक, कई बार इस तरह की चीजें एक मैसेज देने के लिए भी की जाती है। अखिलेश यादव बखूबी जानते थे कि जब वो बाहर निकलेंगे इसी तरीके से उन्हें रोका जाएगा, धरने की नौबत आएगी, उसके बाद हिरासत भी हो सकती है। ये तमाम चीजें एक संदेश देने के लिए। बिल्कुल नहीं, और कहीं ना कहीं ये कवायद है विपक्ष की, और अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरा जा सकता है, और यही कवायद सबसे हमें तमाम नेताओं की दिखी है। अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म हुआ है किसानों पर, इतना अन्याय, इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और किसी की, ये केवल समाजवादी पार्टी नहीं, न जाने कितने लोग कह चुके हैं कि किसी की भी जान ले सकती है सरकार। और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, गृह राज्य मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री उप थे उनका कार्यक्रम था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, जब पूरी जानकारी थी तो आखिरकार वो जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और जो किसानों की जान गई है उनको 2 करोड़ रुपए की मदद हो, परिवार की सरकारी नौकरी हो, उनके खिलाफ जिन्होंने गाड़ी चलाई है उनको तत्काल 302 में जेल भेजना चाहिए। और जिस तरह की भाषा गृह राज्य मंत्री ने दिया, ये भाषा क्या किसी सरकार के मंत्री की हो सकती है जो पहले से धमका रहे हो, जिस पहले से धमका। इसलिए मैंने कहा कि जिन लोगों की जान गोली मरवा दी जाएगी, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देगी? गोरखपुर में किस तरह व्यापारी की जान ले ली, किस तरीके से जान ले रही है भारतीय जनता पार्टी? जब आप निकलने लो फिर तरीके से रोक दिया जाता है। ये सरकार किसानों पे चलाती है, इसलिए पुलिस को आगे कर रही है दी जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देगी? गोरखपुर में किस तरह व्यापारी की जान ले ली, किस तरीके से जान ले रही है भारतीय जनता पार्टी? चलो 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 चलो, जाने दो भाई, जाने दो भाई, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो।
धीरे।